यस और नो में तो मुझे पता है कोमल तो बिल्कुल सब कुछ बता देगी और हिबा भी बता देगी सब कुछ। तो ऐसे कहता मुझे ऐसे क्यों देख रही थी? एक्सप्लेन तो करेंगे क्या है यस और नो? ऐसे कह रहे हो यार, ऐसे तंग कर रहे हो, मुझे पता है बता दोगी सब कुछ। ठीक है, पहला सवाल ये कि वुड यू एवर और हैव यू एवर गॉन फॉर एनी काइंड ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी? नेवर। कभी जरूरत पड़ी तो, कभी ऐसे दिल किया तो मतलब इसमें कोई हार्म समझती हो है या नहीं? मे बी, मुझे लगता है कि नहीं करानी चाहिए। आई थिंक हर एज की अपनी खूबसूरती होती है। एक दूसरा ये कि you know, हमारा पूरी सारी चीज़ें व्हाटएवर इट इज़, अल्लाह ताला ने बहुत उसको बहुत एक मशीन है वो, तो you know, आप उसको कुछ भी करेंगे तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है कि कोई करता है तो आई डोंट माइंड। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई करता है और अगर किसी का कॉन्फिडेंस उस चीज़ से बूस्ट हो रहा है तो आई एम नो वन टू जज और मोर पावर टू देम। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, व्हाई नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट। ठीक है, समझ रहा हूँ, ज़्यादा समझ रहा हूँ। व्हाइटनिंग क्रीम लगाने का चक्कर कभी सोचा है? जरूरत नहीं पड़ी ना दोनों को, तो क्यों सोचेंगे? ये बोलो ना, आगे से बोलो जरूरत नहीं पड़ी, ये नहीं बोलो कि नो हम तो। बचपन में वो किया है, टैल्कम पाउडर लगाया अपने मुंह पे बहुत सारा, गोरा होने के लिए टैल्कम पाउडर। हां, वो नहीं होता बेबी पाउडर अपने मुंह पे बहुत सारा लगा दिया। ऑल द गर्ल्स आपको मेकअप तो लगा नहीं रहे होते आप, तो यू पुट पाउडर एंड लिपस्टिक। आई रिमेंबर हम स्कूल में जाते थे और अलाउ नहीं था, तो काजल वाज द बिगेस्ट थिंग कि ओ भाई कि काजल लगाया इन्होंने, ये काजल लगाने वाली लड़की है। काजल लगाया, ग्लॉस लगाया, तो या दैट आजकल के बच्चे ऐसे नहीं है, ये हमारे जमाने की बात है। आई एम टेलिंग यू, अभी रिसेंटली मैं देखती हूँ young girls, they're like properly and I'm like, oh wow, I don't know that makeup trick too, but that's nice. Yeah, okay, cool, TikTok, yeah. अच्छा जी, ये बताएं कि कभी कोई सोचा है कि मैं अभी तक करियर में जितना भी काम है कि इसके साथ मैं दोबारा काम नहीं करूँ? नहीं, बड़ी इजी स्मूथ जा रहा है सब कुछ। कभी सेट पे किसी से लड़ाई हुई है? हुई है। किस बात पे? हल्की फुल्की, मतलब माइल्ड की, मतलब अगर कोई प्रोफेशनल उसके हिसाब से हुई है कि मतलब एक्टर से या डायरेक्टर से या टीम से किसी, मतलब टीम में हो सकती है, मतलब बहुत बहुत माइनर सी। ये नहीं कोई लेट हो गया, जो भी नो कह रहे हैं ना वो ऑनेस्ट नहीं है। हाँ। क्योंकि जब आप आर्ट बना रहे होते हैं ना, व्हेन यू आर क्रिएटिंग आर्ट, तो उसमें हमेशा डिफरेंसेस आते हैं क्योंकि हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहा होता है और डिफरेंसेस आएंगे। मेरा जो जवाब है, मेरी भी हुई है, मेरा मुझे बहुत मसला होता है स्मोकिंग से। लोग मेकअप रूम में स्मोक करते हैं, यहाँ इवन आई एम एलर्जिक टू स्मोकिंग। हाँ, इवन आई एम एलर्जिक, बट मुझे अभी तक जितने लोग मिले हैं, जितनी जगह मैंने शूट किया है, सिवाय एक दो के, तो वहाँ पे ये था कि मतलब वो चले जाते हैं, दे वेरी काइंड ऑफ दे लीव। अच्छा, मेरे साथ नहीं हुआ ये। लिहाज नहीं किया उन्होंने, नहीं गए। नहीं, उन्होंने कहा, उनकी बात आई गेस उनके पर्सपेक्टिव से सही, उन्होंने कहा कि हम सीनियर्स हैं तो। अच्छा नहीं, मैं सीनियर्स की भी बात कर रही हूँ। आई वाज वर्किंग विद हुमा रवाब, थोड़ी सी वफा के अंदर। हुमा रवाब इज अ लवली पर्सन, शी इज अ लवली पर्सन एंड आई वाज वर्किंग विद देम एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर देयर, इवन सीनियर्स, ऑल ऑफ देम, बट दे लेफ्ट, दे वर वेरी फाइन, दे वर ओके विद इट कि अच्छा ओ प्रॉब्लम है तुम्हें, चलो चलो हम बाहर चले जाते हैं। अच्छा, आई हैव बीन टोल्ड कि अगर प्रॉब्लम है तुम्हें तो तुम बाहर चले जाओ। Okay. I'm sorry for that. अच्छा चलो, बचपन में कभी किसी की बेल बजा के भागे? ये तो सबने किया, मैंने किया। वो कह रही नो, you miss such a big thing. Yes, miss किया आपने? Yes, अलिफ की तरह सीधी। बहन ने किए सारी हरकतें। मैंने किया। I'm maybe the youngest one, तो yes. Okay. कभी किसी को अंडा मारा? मैंने मारा। बहुत मजा आता था वो। कभी कोई ऐसे ना लगा दी, अंडा लग गया कहीं पे, लगा हुआ सारा अंडा, एक अजीब सी चीज होती है, दहाड़ा धोना पड़ता है उसको। ओके, अब ट्राई नहीं करना चाहते। नहीं। ओके जी, सो एनी टैटू? नो। कमाल हो गया वैसे। गुडी टू शूज आई हैं यहां पे दोनों, है ना? गुड गर्ल्स, बट द काजल वंस। काजल वाली। इंडस्ट्री में किसी पे क्रश हुआ कभी? यार ये क्या बात है, चलो यार घर चलो यार। Goody two shoes. इंडस्ट्री से बाहर क्रश हुआ कभी? वो कह रही नो। वो देखो तो क्रशेस नहीं होते हैं मुझे। क्या होता है? पहले कोई और मुझे पसंद करता है, फिर मैं उन्हें पसंद करती हूँ। अच्छा नहीं, see, you know what is that you call a crush? Crush is something that you like somebody, you like an actor, you like an artist. You see a person and you like that person. That's okay. Iconic कोई पसंद। Romantic crush नहीं हुआ है। Crush is like it lasts for even. हमने तो romance की बात नहीं की थी कोमल। Crush romantic ही होता है। होता भी है वैसे। अच्छा और कैसा crush होगा? मतलब इट्स लाइक और कैसे क्रश हुए, यू लाइक पीपल एंड इट्स ओके। और वो बहुत वो कुछ वो या मोर देन लाइकिंग यार, नहीं नहीं वो कुछ नैनो सेकंड्स के लिए भी हो सकता है कि यू नो यू लाइक दैट पर्सन, यू लाइक नो नो आई डोंट लाइक दैट पर्सन एनीमोर, नॉट एनीमोर, ओके सो आई विल कॉल दैट अ क्रश टू, ओके फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग। वेरी डिप्लोमेटिक। कभी किसी को थप्पड़ मारा जिंदगी में? जंगजू भी हैं दोनों। किसको मारा, किसको मारा? बहुत। क्या किसी ने बदतमीजी की? बहुत मारे तेरी, बहुत बहुत यार कौन है यार ये? हाँ किसको मारा, किस बात पे मारा? हेबा किस बात पे मारा? क्या किसे तंग किया होगा? नहीं नहीं मुझे कभी किसी ने तंग नहीं किया। किसी छेड़ा होगा उसको लगा देता? मुझे कभी नहीं, ये तो नहीं हो सकता, किसी नहीं छेड़ा। मेरी तो यही स्टोरी सुनी छेड़ने वाली। तुम्हें कोमल ने मारा उसको रख के छुपाया? मुझे नहीं छेड़ा। अच्छा क्यों मारा किसी बेचारे को? ऐसा कैसे हो सकता है? बेचारे क्या मतलब, कोई अगर किसी और को छेड़ेगा या कोई और को मस्का करेगा या कुछ और इधर उधर किसी से बदतमीजी करेगा, मारेंगे। यार ऐसी की तैसी मारे यार, मैं ये है ना जबरदस्त बात। अच्छा कोई फीमेल एक्ट्रेस हो जिससे बहुत इंस्पिरेशन और दिल चाहता है कि मुझे वैसा बनना है, कोई है ऐसी? वैसा बनना है, कोई इंस्पिरेशन है? पाकिस्तान की होना तो जरूरी नहीं है। एनीबॉडी? एमा वॉटसन। एमा वॉटसन, शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। एक्टिंग में हाँ कुड बी, मतलब लाइक फ्यू थिंग्स अलग अलग, लेकिन वो ये कि सबकी अलग अलग चीज़ें चाहिए। लाइक हु? लाइक आई रियली लाइक्ड रोहित बानो की एक्टिंग एट दैट पॉइंट टाइम, आई रियली लाइक दैट राइट। और इवन मतलब अगर हम हॉलीवुड की साइड पे चले जाए तो आई लाइक जेनिफर लॉरेंस, आई लाइक देयर पीपल एंड देयर स्टोरीज। सी अच्छा पता है सब जगह पे बहुत अच्छा काम हो रहा है इस वक्त, इतना अच्छा काम हो रहा है कि आप किसी एक को चूज नहीं कर सकते। हाँ और अब तो ऐसे नए नए लोग आ गए, आप सीरीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं। और यस 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 इनफैक्ट जो ये टर्किश उर्दूगल एक शुरू हुआ है जो डबिंग में, ओके दैट्स लाइक अमेजिंग। मैंने अभी तक वो देखा नहीं, वी ऑल हैव टू वॉच दैट, दैट्स वंडरफुल। आई वॉच्ड इट लाइक शुरू का भी नेटफ्लिक्स पे देखा। अच्छा फर्स्ट सीजन दो उसके तो आई थिंक 400 से ज्यादा एपिसोड्स हैं प्रोबब्ली। यस आई थिंक एक सीजन के अंदर उसके 85 या कुछ इस तरीके से। और स्पेशली अभी क्वारंटाइन है तो इट्स हाईली रिकमेंडेड फॉर एवरीबॉडी। इट इज ठीक है। आई थिंक जनाब हमारा टाइम ही ओवर हो गया और मैं क्या इनसे सवाल करूं, और ये इतनी को सोच समझ के जवाब दे रही है ना दोनों। हमने तो सही से बिल्कुल दिल से सवाल जैसे किए ना, अच्छे मतलब शरीफाना से अच्छे छोटे-छोटे सवाल। अच्छा मुझे ये बताओ कि एक पाकिस्तानी कोई फेवरेट एक्ट्रेस कौन है हिबा अभी रिसेंटली? हाँ आई एम लाइकिंग यमुनाज वर्क राइट नाउ। यमुनाज वर्क। और कोमल फॉर यू हूज? मेरे जवाब दे दिया इसने। आई आल्सो रियली लाइक, अभी मैंने यमुना के साथ काम किया है एंड आई गॉट टू लर्न सो मच। ठीक है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।